आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। ठंडा बहुत लग रहा है और सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट हो चुका है आपका करंट अफेयर का। किसका? करंट अफेयर का। और करंट अफेयर में क्वेश्चन मैंने बोर्ड में क्या लिखा है, भूलना। ये भूलना जो शब्द है ना, इसको आप काट दो। आप सभी को पता है सुबह 10 मिनट पढ़ाते और करंट अफेयर को मैं रिविजन भी करवा देता हूं, आपको क्लास में क्वेश्चन ना सब याद हो जाता है। और 7 दिन के अंदर ना 20 में आपको मात्र 15 नंबर उठाना है। करेंट अफेयर में रत्ती भर का भी चिंता मत करना, क्योंकि क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं याद हो जाता है, हफ्ता भर में दोबारा रिवीजन करवा देते हैं, महीना भर में फिर से रिवीजन करवा देते हैं, पीडीएफ भी डाल देता हूं टेलीग्राम के ऊपर, प्लस एग्जाम से 1 महीना पहले रात को 11:30 बजे इसी ठंडा में जग करना काप कर आपको पूरा साल भर का रिवीजन भी करा दूंगा। तो करेंट अफेयर में रत्ती भर का भी चिंता नहीं करना है। 3 बजे वाले क्लास में जीके करवा दे रहे हैं, उसमें स्टैटिक जीके भी कवर करवाएंगे 60 दिन के अंदर। बस यही 2 क्लास करना है बाबू, और 20 में ना 15 नंबर टारगेट रखना है। आप हर सब्जेक्ट को अलग अलग बांट दो, यही नहीं कि सब गड़बड़ सब पढ़ना है, नहीं। करेंट अफेयर जीके में 20 नंबर का है, 15 उठाना है 60 दिन में। करेंट अफेयर का टेंशन खत्म भैया, आप तो क्लासे में सब क्वेश्चन याद करवा दे रहे हैं। जीके का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 बजे कवर हो जा रहा है, यानी जीके करेंट अफेयर का टेंशन खत्म। 10 बजे रीजनिंग का टेंशन खत्म कर दिए। आज कवर करेंगे हम सभी 18 तारीख के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, ठीक है। डेली निरंतर क्लास सुबह 8 बजे चलता है बाबू, और जितना भी क्वेश्चन कराएंगे जम के पढ़ो, वरना 10 दिन के बाद ना बोझ लगने लगेगा। तो क्वेश्चन यहीं पर याद, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन, और इतने पूछेगा ज्यादा ना, कुदेर के क्वेश्चन आप तो नहीं पूछेगा। ई बताइए, हाउ बताइए, महाराष्ट्र में कौ कट्ठा जमीन है, ये सब जितना क्वेश्चन करवा रहे बस यही पूछेगा आप सभी से। किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल, क्या हो गया आपका तमिलनाडु, राजस्थान, बड़े राज्यों की श्रेणी में ना साक्षरता इंडेक्स में 1 नंबर की सूची पे कौन है, यानी सबसे पढ़ा लिखा राज्य बड़े राज्यों के मामले में, तो 1 नंबर पर इस लिस्ट में सूची में स्थान दिया गया पश्चिम बंगाल को, याद रहेगा। और नीचे से सबसे नीचे पैदान पर कौन है, तो सबसे नीचे पैदान पर है आपका बिहार, ठीक। बिहार में बाहर है आगे आपको ये पता ही है, सबसे नीचे पर बिहार है और सबसे ऊपर पर आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आपको सब चीज पता होना चाहिए, यहां पर 42 लोकसभा, 16 राज्यसभा और 294 विधानसभा सीट है। आप मेरे साथ साथ ना एक बार कमेंट कर दो, ऐसा नहीं है कि आज ये बताएं और हम दोबारा जिंदगी में कभी नहीं बताएंगे। हर राज्य के बारे में ना 1 महीना में लमसम मान लो ना 15 से 20 बार आपको बताते हैं, तो बस आपको ना जो बोल रहे एक बार कमेंट करो 42 16 294। ये कहां का कोड है बाबू, तो भैया ये कोड ना पश्चिम बंगाल का है, ये बस आप कमेंट में लिख दीजिए, काम खत्म। अगर आपसे पूछे ममता बनर्जी यहां की मुख्यमंत्री है, प्रकाश श्रीवास्तव मुख्य न्यायाधीश है, राज्यपाल सबको पता है जगदीप धनखड़ भैया, 23 जिला है आपका पश्चिम बंगाल में, और 20 जून 1947 को बंगाल का स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कुछ नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, सिर्फ इतना पूछेगा आप सभी से ना, बस इतना पूछेगा आप सभी से, नगदग पेल जी खरोली, खरोलो, ये सबसे ना उस देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। किस देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो भूटान का, ऑप्शन नंबर आपका हो गया, बस इतना याद रखना। अभी तो रिवीजन भी करवा देंगे। अब सुनना, देश का भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल स्थापित करने का योजना बन रहा है, कहां पर, देश में इससे बड़ा पावर प्लांट अभी तक नहीं बनने जा रहा है, 9900 किलोवाट, पता है कहां बनेगा, रत्नागिरी जिले में। अच्छा रत्नागिरी जिले कहां पर, कहां पर, तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर आपका ए याद रहेगा।
और महाराष्ट्र में आप सभी को पता होना चाहिए भैया 48 गो यहां पर लोकसभा सीट है, 19 गो राज्यसभा सीट है और 288 गो विधानसभा सीट है। तो कोड क्या है आपका 48, 19, 288 लिख दीजिए महाराष्ट्र का 48, 19, 288। भगत सिंह कोश्यारी यहां के राज्यपाल हैं, दीपंकर दत्ता यहां के मुख्य न्यायाधीश है, उद्धव ठाकरे यहां के मुख्यमंत्री है, 36 गो जिला है, 1 मई को स्थापना दिवस मनाते हैं। हो गया, ये आप कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ठंडा बहुत लग रहा है भाई, कुछ मानो मत मानो, क्लास देना ना। अच्छा, किस देश ने ना ये बोल दिया है ना 11 दिन के लिए हंसना शराब पीना और खरीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी आप हंस भी नहीं सकते। शराब तो ठीक है समझ में आता है, हंस भी नहीं सकते, ये कौन सा लॉजिक है? प्लस बोला है ना आप कोई शॉपिंग नहीं कर सकते। काहे भाई, जो वहां का था ना नेता किम जोंग, क्या बोलते थे, इसका मृत्यु हो गया है तो शोक मनाने के लिए ना आप पूरा देश में बोल दिया गया हंसना भी मना है। शराब पीना तो ठीक था, हंसना भी मना है और शॉपिंग भी नहीं कर सकते, यानी शॉपिंग मॉल सब बंद कर दिया गया। कहां पर? तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन में बस आपको इतना याद रखना है, एक पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम है रोहन गवास्कर के पापा, यानी कि सुनील गवास्कर। बस बस कुछ नहीं पढ़ना है। जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 21 का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सुनील गवास्कर को। भैया जीके पढ़ाइए, जीएस पढ़ाइए, सब समझाइए ना, नहीं, हम करंट अफेयर को ना बस 10 मिनट पढ़ाएंगे बिना एक क्वेश्चन छोड़े। और आपको पता होना चाहिए, जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, करंट अफेयर भैया एकदम रत्ती भर का भी चिंता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मैंने आपको कल बताया था टाइम्स पत्रिका के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क को दिया गया है, बताए थे ना कल। अब सुनना, टाइम्स पत्रिका के अनुसार 2021 का एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये लड़की ना अमेरिका की है। कहां की लड़की है? ये अमेरिका की, यूएसए की है। ये क्या करती है? एथलीट्स है, जिम्नास्टिक, ठीक है, एथलीट्स है, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है इनका सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका के अनुसार एथलीट्स ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से एलन मस्क को सम्मानित किया गया है। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी में ना जो एग्जाम हुआ था सीबीटी 1, उसमें बहुत बार ना बहुत सारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा था, बताओ फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में ना आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का, महीने का खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो सब मैं बराबर हर महीने ये अपडेट करवाता हूं, नवंबर महीना में ना आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को, ऑप्शन नंबर ए। और महिलाओं के 6 कैटेगरी में, यानी ओमेन के, भाई ओमेन लिखे हैं, सही लिखे हैं, पढ़ा रहे हैं लेकिन दिमाग ना कहीं और है, याद रखिएगा, ओमेन के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो मैथ्यूज को दिया गया है। बहुत लाजवाब खिलाड़ी है, बैटिंगो कर लेती है, बॉलिंग, मतलब अगर बोला जाए ना सबसे बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट में ना इनका नाम जरूर आएगा, महिलाओं में इनका आएगा, सोफी डिवाइन का आएगा, मतलब बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज के, बहुत लाजवाब खिलाड़ी है। तो याद रखिएगा मैथ्यूज को दिया गया महिलाओं के कैटेगरी में, और पुरुष में डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, फेवरेट प्लेयर बोल सकता हूं मेरा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर राज कपूर द मास्टर टू वर्क, ये पुस्तक कौन लिखा है? बस बस इतना ही पढ़ना है भाई। इस पुस्तक को लिखा गया है राहुल रवेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगर बोल दे इस किताब का उद्घाटन कौन किया, वेंकैया नायडू, देखो बगल में बैठे, वेंकैया नायडू के द्वारा इस किताब का उद्घाटन किया गया है। हो गया, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? क्यों किया है? अरे बाबू क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, यानी उनको मजबूत बनाने के लिए आर्थिक रूप से,
ठीक है, क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के साथ एक समझौता हुआ है, किस राज्य सरकार, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, इसके द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। आपको भी लगता होगा ना भैया 10 मिनट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन छूट तो नहीं रहे ना, कम तो नहीं पढ़ा रहे ना भैया, भैया बाकी टीचर एक घंटा पढ़ाता है करंट अफेयर पूरा जोश में पूरा डिटेल में, आप बड़ा आराम से पढ़ाते हो और 10 मिनट में कवर कर देते हो। अरे महीना भर का करंट अफेयर क्वेश्चन मिला लीजिएगा, हम कुछ क्वेश्चन छोड़ तो नहीं रहे ना। अच्छा वो तो छोड़िए, अभी जीडी का एग्जाम हुआ था ना, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना, उसके बाद से आरआरबी जेई एएलपी ग्रुप डी, एक को क्वेश्चन करंट अफेयर का बाहर नहीं बनता है बाबू, यही 10 मिनट पढ़ाते हैं और इतना पढ़ना ही है ताकि दिमाग में लगे हा जो पढ़ रहे हैं ना, एक दिमाग में डाउट आएगा भैया पढ़ा रहे हैं जो समझ में तो आ रहा है और कुल क्वेश्चनों याद हो जा रहा है हमको, ऐसे कैसे हो सकता है करंट अफेयर हमको सब याद हो जा रहा है कम समय में, क्या कुछ क्वेश्चन, हम तो बहुत प्रेशर लेके पढ़ते थे, करंट अफेयर बहुत बोझ लगता था भैया से पढ़ रहे तो करंट अफेयर छूट तो नहीं छूट रहा है रे पागल, एकदम नहीं छूट रहा है क्वेश्चन, ये गारंटी रखिएगा। अच्छा उड़ीसा में 21 गो लोकसभा, 10 गो राज्यसभा, 147 गो विधानसभा सीट है। एस मुरलीधर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश और आपका नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, गणेशी लाल राज्यपाल, 30 गो जिला है, 1 अप्रैल को मनाते स्थापना दिवस। ठीक है अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नासा के अंतरिक्ष यान का नाम बताना है आप सभी को, क्या किया है भैया ये ना सूर्य के बाहरी वातावरण से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। अरे बाप रे भैया क्या बात कर रहे हैं, हाँ तो नासा का उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, एकदम याद रखना, पार्कर 16 प्रोब, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अच्छा नासा का गठन कब हुआ था, एकदम याद है भैया 1958 में। अच्छा भारत में 1958 में किसी चीज का गठन हुआ था, तो याद रखिएगा नासा के साथ साथ ना जो भारत में डीआरडीओ है ना, डीआरडीओ का भी गठन 1958 में ही हुआ था। तो भैया इसरो का कब हुआ था, इसरो का ना 11 साल के बाद 1969 में हुआ था। भैया नासा का मुख्यालय कहां पर है, अमेरिका में। भैया नासा का ना प्रमुख का नाम बताइए तो, देखो बिल नेल्सन, क्या बोले भैया, हम बोले ना बिल नेल्सन, क्या बोल रहे हैं भैया, अरे बाबू हम बोल रहे हैं बिल, बिल चूहा वाला बिल नेल्सन, ठीक है। एगो ई है, एगो है स्टीव जर्जिक, क्या भैया स्टीव जर्जिक, तो दो लोग नासा के प्रशासक है, ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर, और गठन 1958 में अमेरिका में इसका मुख्यालय। क्वेश्चन हो गया, एक बार फटाफट ना 30 से 40 सेकंड में रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग भी दिल से पढ़ो ना 15-20 मिनट 10 मिनट। नासा के उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जो सूर्य के बाहरी वातावरण से गुजरा है, तो पार्कर याद रखना बस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के साथ समझौता किया, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने, ठीक। अगला क्वेश्चन, राज कपूर द मास्टर टू वर्क इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा, तो राहुल रवेल के द्वारा, और उद्घाटन किया गया है वेंकैया नायडू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए पुरुष के क्षेत्र में डेविड वार्नर को चुना गया ऑस्ट्रेलिया वाला, और महिलाओं में मैथ्यूज को वेस्टइंडीज वाला। अगला क्वेश्चन, 21 में एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिला का नाम है सिमोन बाइल्स, जो अमेरिका की एथलीट्स है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 21 से सम्मानित किया गया है किसको, सुनील गावस्कर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 11 दिन के लिए हंसना नहीं है, शराब नहीं पीना है और खरीदारी नहीं करना, काहे किम मर गया है नॉर्थ कोरिया का, शोक मनाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन कहां पर हो रहा है, कहां पर ये प्लांट बैठेगा, तो रत्नागिरी जिले में महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नगदगपेल जी खरोल्लो ये सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भूटान का हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, साक्षरता इंडेक्स सूचकांक में सबसे बड़े राज्यों में
महाराष्ट्र को नहीं पश्चिम बंगाल को दिया गया है, और सबसे नीचे कौन है, हमारा बिहार। तो ये था करंट अफेयर आपका 18 दिसंबर का। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, और भाई मानते हैं अपने क्लास को तो शेयर कर दीजिएगा। बाबू इस क्लास को सपोर्ट करना, बहुत मेहनत करते हैं, रात को जगना पड़ता है इस क्लास के लिए ठंडा में और ऊपर में बैठकर। कभी कभी तो मन करता कंबलवा लेके ऊपर घर शिफ्ट कर लेगा, फिर सोचते नीचे मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे, इसीलिए सर ठंडे में जगकर क्लास रेडी करते हैं। इसीलिए बोलते कुछ नहीं तो कम से कम इस क्लास को जरूर सपोर्ट करिएगा। खैर आप सभी को गुड मॉर्निंग, आपके मम्मी पापा को भी प्रणाम बोलिएगा मेरा जीतू भैया का, और अपने साथ साथ मम्मी पापा का जरूर ख्याल रखिएगा भाई, हर सपना पूरा करो उनका। और ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि बाप बनने के बाद ना पता चलता है कि माँ बाप का कष्ट क्या होता है। बाप बने हैं ना, जब बीसीजी का सुई दे रहा था ना मेरी बेटी को, लगा था कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा, यार कैसे, मतलब माँ बाप कितना मुश्किल से पालता है बाल बच्चा, हम तो सब कुछ किए माँ बाप के लिए, आप लोग भी हर सपना पूरा करिए, हम साथ में हैं ना, क्या डरते हैं, जो पढ़ाएंगे एग्जाम में आएगा बाबू, लेकिन दिल से पढ़िएगा ठीक है, और साथ साथ अपने देश का भी। जय हिंद और गुड मॉर्निंग। आज चाय नहीं पिलाएं आप लोग को, ठीक, वो बात ना।